हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू का कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टेक्निक्स टूल्स आपको बताए थे उसमें आपका पहला टूल्स जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द टूल्स, आप लोगों को बताया था कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट के जो है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टूल्स है, नंबर एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट और नंबर दो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हाट डू मीन बाय कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से आप क्या समझते हैं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट शो द डाटा ऑफ टू और मोर देन टू इयर्स और इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस जब दो या दो से अधिक वर्षों के डाटे का आपस में तुलना की जाती है और तुलना करने के बाद व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में नॉलेज एक्वायर की जाती है तो उसको आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट की संज्ञा देते हैं। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जैसे आपको बताया कि आपके पास टू और मोर देन टू इयर्स का डाटा शो किया जाएगा एक साथ और जिसमें आप सभी जानते हैं जिसमें आप कंपैरिजन करेंगे डाटे का, एब्सोल्यूट कंपैरिजन करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई और उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ, उस बात को याद करने के लिए हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट अपनाते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट अकाउंटिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 शेड्यूल थर्ड पार्ट टू के अनुसार आपके पास बैलेंस शीट दी होगी जिसमें आप सभी जानते हैं कि वर्टिकल फॉर्मेट में दी हुई है, जिसमें आपके पास पहला कॉलम जो है ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एज ऑन वर्सेस जो भी है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ईयर। इसके बाद आपके पास वैल्यू दी होगी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होती है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपके पास शेयर होल्डर फंड होगा, फिर अगर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दी होगी वो दी होगी, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, फिर करंट लाइबिलिटी होगी। इसी प्रकार से एसेट साइड में नॉन करंट एसेट होगी और करंट एसेट होगी। अर्थात ये चीजें आपके पास गिवन होगी, एब्सोल्यूट मनी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, आपने एब्सोल्यूट चेंज निकालनी है जो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जिसमें करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को घटाना है आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी और फिर आप उसकी परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट या एनी लाइबिलिटी डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इस प्रकार से इसकी वैल्यू को निकाला जाएगा, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो आपको बताया कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसा होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको बताया। अब हम करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो नंबर एक, टू मेजर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ओनर एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट नहीं बनाते बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें बैलेंस शीट से तो केवल मात्र एक पर्टिकुलर डेट की जो है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ओनर्स की पिछली सिचुएशन और अब तक की सिचुएशन का पूरा अनुमान लग जाता है, इसका मतलब है कि ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन का भी आपको अनुमान लग जाता है। नंबर दो बात, एब्सोल्यूट चेंज। अभी आपको बताया कि एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन में कितना चेंज हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में हमारे एसेट में इंप्रूवमेंट हुई, लाइबिलिटी हमारी कम हुई, कैपिटल की पोजीशन बढ़ी या कम हुई, इस बात को जानने के लिए भी जो है वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज में आया, वृद्धि और कमी में आया, अगले में हम करेंगे परसेंटेज चेंज कि उसमें कितने परसेंट वृद्धि हुई, क्योंकि डाटे को और अधिक सिंप्लीफाई किया जाता है, क्योंकि सिंपली कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटे को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है। तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब उसके बाद आप इसकी परसेंटेज चेंज निकालते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि टू रिव्यू द पास्ट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स। हमारे पास आप सभी जानते हैं अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और AS3 के अनुसार एक्टिविटीज को तीन भागों में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। आप बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात नहीं करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एक्चुअल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने उसकी बात नहीं करी। एक्टिविटी की हमें पता लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या इफेक्ट पड़ा और इसके ओनर की फाइनेंशियल पोजिशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस बात का भी आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट से पता लगता है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको रिव्यू करती है कि आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैसी चल रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कैसी चल रही है और उससे ओनर की जो पोजीशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस बात का भी आपको पता लग जाता है। तो इसका मतलब है टू इंडिकेट द टू रिव्यू द पास्ट फाइनेंशियल
and investment activities and the effect on the financial position of the entrepreneurs, उसके बारे में आपको पता लगता है। उसके बाद ये था जिसका कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जनरली बड़े कॉमन सी ऑब्जेक्टिव है जो मैंने आपको बताया कि जो चीजें आपको पहले भी याद रखनी थी, अब भी आप थोड़ी थोड़ी याद रखें तो आपको बड़ी जल्दी याद रहती है। उसके बाद अब आती है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। तो नंबर एक, मोर रियलिस्टिक अप्रोच। मोर रियलिस्टिक अप्रोच जैसे आप लोगों को भी बताया, मोर रियलिस्टिक अप्रोच क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो आपकी पिछली बैलेंस शीट थी, आज तक आप बैलेंस शीट करते थे उसमें क्या करता, एक वर्ष का डाटा था। अब आप बोले जी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है बुरी है, कैसे परफॉर्म हो सकते हैं, ना आप किसी से कंपैरिजन करते थे, ना ही आपने किसी से डाटे से आपको कोई आपका ऐसा कोई ये था। तो ये जो मोर रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि अब हमने क्या किया कि दो या दो से तीन वर्षों का डाटा लिया जिसके आधार पर हम कोई निर्णय लेते हैं, और जब हम निर्णय लेते हैं इसका मतलब है जो मोर रियलिस्टिक मानी जाती है वो ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी। इसी प्रकार से मोर स्ट्रेस ऑन द चेंज, मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं चेंजेस पर, परिवर्तन पर, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन भी पॉजिटिव में जाए, यानी भी हम क्या कर रहे हैं कि परिवर्तन तो हम कर रहे हैं, हम डाटा तो दो या दो से अधिक वर्षों का डाटा ले रहे हैं, हम बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देख रहे हैं, स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वीकनेस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब कंपैरिजन करने का मेन मोटिव यही होता है, एडवांटेज यही होता है कि हम स्ट्रेस करते हैं चेंज पर, कि भाई स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रेंथ दी जाए और वीकनेस को खत्म किया जाए, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि मोर स्ट्रेस ऑन द चेंजेस। उसके बाद रिफ्लेक्ट ट्रेंड, परिवर्तन हुआ है भाई किस ओर जा रहा है, परिवर्तन करने का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये भी हमने इससे पता लग जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है एकदम ट्रेंड, कि हमें पता लग जाता है कि भाई बिजनेस को बंद करना ही ज्यादा बढ़िया है ना, बिजनेस को बंद करने से नुकसान है, बिजनेस को और अधिक जो कमियां उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीजें मतलब ट्रेंड रिफ्लेक्ट ट्रेंड एकदम आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपके दिमाग में आता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। उसके बाद लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बोलते हैं कि जो हमारी आइटम होती है बैलेंस शीट की आइटम भी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सबसे मेन आइटम कौन सी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कहां जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में रखा वो बैलेंस शीट में जाता है, अगर वहां अगर स्टेटमेंट हमने क्या कहना है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को बढ़ाना है, हमने कैपिटल को बढ़ाना है, हमने कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमें प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर भी उसे लिंक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बना है तो ये हमारी बैलेंस शीट में नहीं, और बैलेंस शीट का मिलना इस बात के ओर इंडिकेट करके दैट मींस की एस्टिमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। तो यहां क्लियर से इंडिकेशन है कि उनके बीच में जो है ना वो लिंक स्थापित करने में भी जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हेल्पफुल इन प्लानिंग, ये चाहे एवरीबॉडी नो यू हैव टू प्लान इन डिसाइड इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ टू रिजल्ट आर टू बी इवैल्यूएटेड। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज प्री फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ रिजल्ट आर टू बी इवैल्यूएटेड, यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस। कंपैरेटिव बैलेंस शीट आल्सो हेल्पफुल फॉर प्लानिंग, या आप लोगों को भविष्य में आप कहां किस ओर जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव स्टेज है आपकी या बूम पीरियड या रिग्रेशन पीरियड, कौन सा पीरियड है आपका, कौन सा चला हुआ, क्या बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं बिजनेस में अपनी पोजीशन को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के द्वारा जो है वो संभव है। तो ये सारी आपने इसके एडवांटेज भी पढ़े, तो आपने पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आपने साथ में ये पढ़ा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसा होता है और वो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आपने पढ़े इसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपने इसके एडवांटेज और सिग्निफिकेंस पढ़े। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बताते हैं, अकॉर्डिंग विद द वर्टिकल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन एज पर द शेड्यूल थर्ड पार्ट वन के अनुसार किस प्रकार से जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपके पास दी है एज ऑन 2014 एंड 2015 में। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, जैसे आपको बताया था नोट नंबर, करंट प्रीवियस ईयर का फिगर, करंट ईयर का फिगर, एब्सोल्यूट चेंज आप निकालते हैं इंक्रीज और डिक्रीज में, और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो किस प्रकार से इसको निकालते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होता है वो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का होता है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्वमेंट सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के साथ साथ
हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं करंट लाइबिलिटी, अर्थात ये आपके पास वर्टिकल फॉर्मेट तो दिया होता है, वर्टिकल फॉर्मेट में आप टोटल करते हैं फिर लाइबिलिटी का। हम निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए हम जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में जैसे आप देखेंगे कि आपके पास ये एब्सोल्यूट मनी वैल्यू दी होती है, आपने निकालना होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट मनी वैल्यू आपके पास दी होती है, आपने निकालना होता है एब्सोल्यूट चेंज। बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना इस बात का किस प्रकार से इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। तो हमारे पास एब्सोल्यूट मनी वैल्यू दी हुई, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर वन की फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड 2015 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके पास दी, आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, तो हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। तो किस प्रकार से एलजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई जाएगी एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2015। आपको पर्टिकुलर दिया, पहला कॉलम नोट नंबर दिया है, 2014 का डाटा दिया है, 2015 का डाटा दिया है। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज में आपने निकालना है, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज में निकालना है, ठीक है जी। ये आपने फॉर्मेट बनाना है, मतलब इसका फॉर्मेट इस प्रकार से बनाया जाएगा कि ये जो आपके पास दिया है, यहां तक का डाटा आपके पास दिया है, नोट नंबर भी दिया है, 2014 और 2015 का डाटा भी दिया है। अगर आपके पास पीछे आके दिया है तो आपने इसको पहले सीधा करना है, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कि 2014 का बाद में दिया है, 2015 का पहले दिया है, तो आपने 2014 का पहले लिखना है और 2015 का बाद में लिखना है। तो यहां पर आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो जैसे पहला कॉलम इक्विटी लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में फर्स्ट ईयर में 2014 में दिया आपके पास 2,50,000 और 2015 में दिया आपके पास 5 लाख। तो आपने क्या किया, करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर के फिगर को घटाया है, 5 लाख में से 2,50,000 घटाया तो आपके पास कितना है, 2,50,000। तो एब्सोल्यूट चेंज आपने निकाला, एब्सोल्यूट चेंज आपने कैसे निकाला, करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर फिगर को माइनस किया, करंट ईयर का फिगर दिया आपके पास 5 लाख और प्रीवियस ईयर का फिगर दिया आपके पास 2,50,000। तो 5 लाख में से 2,50,000 घटाया आपने तो आपके पास 2,50,000 आया। फिर 2,50,000 को आपने 2,50,000 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आया। दैट मींस कि इसको निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या करा आपने कि करंट एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड किया और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% आया। इसी प्रकार से फिर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस, फर्स्ट ईयर में आपके पास थे, मतलब 2014 में आपके पास थे 1,50,000 के और 2015 में कम होकर 1,00,000 रखे, इसका मतलब माइनस में आया 1,50,000। जो आप माइनस की रखे उसको आपने वैक्ट में लिखना है, वैक्ट का मतलब है इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो डिक्रीज वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू को आपने ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं परंतु आप ब्रैकेट में लिखे तो ऑटोमेटिकली इंडिकेट है कि ये माइनस की रकम है। और फिर आपने क्या किया कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड किया तो ये भी माइनस में आएगी, दैट मीन्स की 50,000 को आपने 1,50,000 से डिवाइड किया, दैट इज 33.33%। इसी प्रकार से आप नॉन करंट लाइबिलिटी में गए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2,50,000 के थे, 4,00,000 के हो गए, 4,00,000 में से 2,50,000 हटाए तो 1,50,000 क्या आया, तो 1,50,000 को आपने 2,50,000 से डिवाइड किया तो 60% आया। तो इसका मतलब है कि इसको निकालना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आपके पास एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना आता है, जोड़ना और घटाना तो आपको आता है। आपने परसेंटेज चेंज निकाला, परसेंटेज चेंज में क्या करना, करंट ईयर के फिगर को पहले आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला, करंट ईयर के फिगर को प्रीवियस ईयर से माइनस किया और फिर आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आया जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज आया, फिर आपने परसेंटेज चेंज निकाली, परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए करंट एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आपके पास है आपने निकाल दी। ट्रेड रिपेबल्स करंट लाइबिलिटी में आपने देखा 1,00,000 की 2,00,000 होगी, 2,00,000 में से आपने 1,00,000 को 1,00,000 से डिवाइड किया तो 100% आ गई। फिर हमने आपने इन सबको जोड़ा और इन सबको जोड़ने के बाद ये भी आपके पास दिया होता, गिवन दिया होता 7,50,000 और ये 12,00,000, तो 12,00,000 में से 7,50,000 हटाया तो 4,50,000, 4,50,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया तो 60% आया। इसका मतलब है कि आप इसको निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से आप असेट साइड चले, असेट साइड में सबसे पहले फिक्स सेट लिए, इसमें टेंजिबल असेट लिए, 4,00,000 के थे, 4,00,000 के 7,00,000 हो गए तो 7,00,000 में से 4,00,000 हटाया, 3,00,000 आ गया, 3,00,000 को 4,00,000 से डिवाइड किया 75% आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार से इंटेंजिबल असेट 1,00,000 के 1,50,000 हो गए, 1,50,000 में से 1,00,000 कटाया तो 50,000 आया, 50,000 को 1,00,000 से डिवाइड किया 50%। इसी प्रकार से करंट असेट में इन्वेंट्री 2,00,000 की 2,50,000 होगी, 2,50,000 में से 2,00,000 कटाया तो आपके पास 50,000 आया, 50,000 को 2,00,000 से डिवाइड किया 25% आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,00,000 का 50,000 हो गया, यानी कि 50,000 आया, 50,000 को 50,000 से डिवाइड किया 100%। ये 7,50,000, 12,00,000, 4,50,000, 4,50,000 को 7,50,000 से डिवाइड किया 60%।
ये वैल्यू इस वैल्यू से मिलनी चाहिए, इस वैल्यू का मिलना, दैट मीन्स कि आपने फॉर्मेट भी सही बनाया और एसेट और लायबिलिटी का टोटल भी ठीक किया। इसका मतलब है कि इसको आपने इस प्रकार से करना है। तो ये था जी आपका किस प्रकार से आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन करते हैं, तो किस प्रकार से इसको करेंगे। जैसे अगर आप एग्जाम्पल नंबर दो की बात करें, हमारे पास ये दिया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपके पास रिजर्वमेंट सरप्लस दिए, शेयर कैपिटल दी हुई, ट्रेड पेबल्स दिए, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है, अर्थात आपके पास अलग अलग आइटमें दी हुई हैं। अब अलग अलग आइटमों को आपने फॉर्मेट में बदलना है सबसे पहले, क्योंकि ये वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि आपको वर्टिकल फॉर्मेट आनी चाहिए, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेने हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेनी है, फिर करंट लायबिलिटी में आपको ट्रेड पेबल्स लेने हैं, असेट साइड में नॉन करंट असेट में फिक्स्ड एसेट, टैंजिबल इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट जो भी है, और करंट असेट के आइटम में लेनी है। तो इस प्रकार से आपने इन आइटमों को लेना है पहले, और फिर आपने इसका एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। अगर आपके पास दी नहीं होगी तो आपने इसको फॉर्मेट में बदलना है, ध्यान रखना इस बात का, जो बैलेंस शीट की फॉर्मेट दिया होता है उसमें आपको बदलना है। जनरली आपके पास फॉर्मेट दिया होगा, इफ फॉर्मेट इज नॉट गिवन यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू फॉर्मेट, ध्यान रखना इस बात का। पेपर के अंदर आपको फॉर्मेट दिया होगा तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट 2013 के अनुसार ही आपको इसको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। पहले हम इसको जो है बिना फॉर्मेट के कर देते थे कि हम असेट का असेट साइड जोड़ा, लायबिलिटी का लायबिलिटी साइड जोड़ा और हम इसको निकाल देते थे। बनाना वर्टिकल फॉर्मेट में था कंपैरेटिव बैलेंस शीट को, बनाना इसमें ही पड़ता था, स्टैटिक फॉर्म में ही बनाना पड़ता था, परंतु ये था कि इसमें अंतर केवल मात्र यह था कि हम पहले कंपनी अमेंडमेंट 2013 नहीं था, तो 2013 के पहले हम अपनी मर्जी करते थे, जैसे हमारे को उस सुविधा लगती थी। हम क्या करते थे, पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते थे, या हम पहले असेट साइड का टोटल करते थे, फिर हम लायबिलिटीज का असेट और लायबिलिटी का टोटल, यानी कि ये वैल्यू तो हमेशा मिलनी चाहिए, ये वैल्यू इस वैल्यू से मिलनी चाहिए। यदि ये वैल्यू इस वैल्यू से नहीं मिलती, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ये आपके जो टोटल असेट है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी और टोटल असेट से मिलने चाहिए, यदि मिलते हैं तभी मिलते हैं, क्योंकि अगर आप आइटम सही लिखेंगे तो इसका मतलब है ये आपको ये आइटम भी सही लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का होप है कि आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के जो क्वेश्चन है वो समझ आ चुके होंगे कि किस प्रकार से इसको करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।